पता चल जाएगा। थोड़ी देर सब्र रखिए, पता चल जाएगा। सरकार पलट रही है क्या? अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, थोड़ी देर सब्र रखिए। एक अन्य मार्ग में बैठक शुरू हो चुकी है, सांसदों और विधायकों की जो बैठक है वो अब लगभग शुरू हो चुकी है, क्योंकि कई सांसद यहाँ पहुँच चुके हैं। एकाध सांसद जो हैं देखिए यहाँ से जा रहे हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं एक अन्य मार्ग की है। यहाँ पर जेडीयू के सांसद, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी लोग अंदर जा चुके हैं और अब बैठक लगभग शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में फैसला भी हो जाएगा। पहला चर्चा ये है कि आखिरकार आरसीपी सिंह का जो प्रकरण हुआ है, जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाया है, आरसीपी सिंह ही जब थे उस वक्त नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हुए थे महागठबंधन को छोड़कर। देखिए विधायकों के लगातार आने का जो सिलसिला है, हालांकि वो शुरू है, कोई विधायक भले ही बात करने को तैयार नहीं है लेकिन हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम क्या है? देखिए बिल्कुल जो तमाम विधायक हैं वो इस बात को बोलने के तैयार नहीं है। देखिए एमएलसी पता चल जाएगा, थोड़ी देर सब्र रखिए, पता चल जाएगा। सरकार पलट रही है क्या? अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, थोड़ी देर सब्र रखिए। मैडम की अक्सर बैठक होती है ना, जंगल राज और भ्रष्टाचार के साथ जाएंगी या कई कई मुद्दे पर बैठक होती रहती है, तो वही विधायक दल की बैठक है, सारे सांसद पार्टी लेवल की बड़ी बैठक है और कोई खास बात नहीं है। क्या आरजेडी के साथ जाएंगी? अरे बैठक पहले बैठक देखिए ना, आपकी राय क्या? हमारी राय होगी जो विचार छन के आएगा और जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार नेतृत्व करता है, नेता है, उनका जो निर्णय होगा वो मेरे लिए सही। मैडम लेकिन एनडीए में तकरार बढ़ा हुआ, इस बात को तो आप मानती नहीं हैं? अभी तक तो हम लोग एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में हैं और आज के बैठक में के एजेंडा के विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं क्योंकि बाहर थी और रात में ही मैं आई हूँ। और अच्छा, एनडीए में सब ठीक है मैम? अभी तक तो ठीक है, अभी तक के बाद क्या होगा उसका तो कोई नहीं जानता। अच्छा, आपकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी? अब हमारे पार्टी की तरफ से कई शिष्य नहीं, क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा ऐसा बीजेपी अध्यक्ष बोल रहे थे, क्षेत्रीय पार्टी का कोई वजूद नहीं है। किस परिपेक्ष में क्या बात बोला है उसकी मुझे नहीं जानता। हो गया। चलिए बिल्कुल, देखिए एमएलसी रीना यादव थी, हालांकि कोई भी इस बात को बताने को तैयार नहीं है लेकिन इनका कहना है कि अब से कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। देखना है कि आखिरकार क्या बिहार में वाकई में ही सियासत की जो गर्मी है वो अब सत्ता पलट जाएगी। जिस तरीके से लगातार 2 महीने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए थे इस बात को लेकर, लेकिन अब जो बिहार में लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि आरजेडी जेडीयू की सरकार बनेगी और ऐसे में आज ही अब से चंद घंटों में यह फैसला हो जाएगा। देखिए जेडीयू के विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार शुरू है, कोई विधायक इस बात को बताने को तैयार नहीं है कि बैठक किस बात को है। बैठक जो है वो कोई लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना को लेकर बैठक है। कई विधायकों का कहना है कि जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर आरसीपी सिंह ने आरोप लगाया था उस बात को लेकर बैठक है, लेकिन अभी जब रीना यादव जो कि जनता दल यूनाइटेड से एमएलसी हैं उनका कहना है कि कुछ घंटों में पता चल जाएगा, यानी कि पक्का है कि बड़ा होना है और अब से कुछ ही घंटों में ये फैसला हो जाएगा कि बिहार में सरकार एनडीए की चलेगी या नहीं चलेगी। हालांकि यह लगभग तय है लेकिन औपचारिक अभी ऐलान नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी एनडीए के नेता हैं।